सबने प्रेरणा लेनी चाहिए देश में इज्जत है, इंसान अगर ईमानदार है, इंसान अगर वफादार है, इंसान अगर मेहनती है तो उसके लिए पूरा देश उसके साथ इकट्ठा मिलेगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अच्छा, और उनकी लोकप्रियता का श्वेता आप अंदाजा लगाइए कि जब इस हादसे की खबर आई तो देश विदेश से लोग जानना चाहते थे कि वो तो सुरक्षित है, वो बच गए क्या। और जब वो दुखद समाचार आया तो उसके बाद कितने देशों के मिलिट्री जनरल्स ने, डिफेंस अटैशेज ने, एम्बेसडर्स ने न केवल शोक व्यक्त किया, कईयों ने अपना ट्विटर हैंडल पर अपनी तस्वीर बदल दी, कई लोगों ने उनके साथ साझा किए अपने अनुभवों के बारे में जिक्र किया कि कैसे जनरल बिपिन रावत से उन्हें सीखने का मौका मिला था। और यह दिखाता है कि देश विदेश में उनकी कितनी साख थी, केवल नेपाल और भूटान ही नहीं, जबकि यहां तो बहुत अधिक थी श्वेता। सेनाओं के लिए ये पहला इस तरह का कोई मौका है। एक तो सर्वोच्च सेनापति हमारे, दूसरा ये समझिए कि पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और उसमें एक सर्विंग जनरल का ऑन ड्यूटी चले जाना, ये सारी चीजें अप्रत्याशित हैं। लेकिन इसके साथ ही सेनाओं की जो परंपरा है वो हमेशा शोक में से भी कोई सीख लेते हैं, कोई सबक लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं। आज जनरल बिपिन रावत की एक एक शब्द को सब याद कर रहे हैं, उनके वक्तव्यों को, जिस तरह की बातें वो किया करते थे। जो आम लोग हैं उनका सफ़र यहाँ तक ही रह पाएगा, क्योंकि इसके आगे जो अंतिम सफ़र, देखिए यहाँ पर आप सीआरपीएफ की टुकड़ी को भी देख सकते हैं जो लोगों को, और हर एक वर्दीधारी ये समझ रहा है वो रोकना नहीं चाह रहा है लेकिन नियंत्रित करना ही होगा इसके आगे की भीड़ को। सब लोग समझ रहे हैं कि जो आम लोग हैं वो सम्मान के नाते और अपनी उन भावनाओं के नाते आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सैन्य परंपराओं का निर्वाह भी करना होगा, और इसके आगे जो हमारे वर्दीधारी योद्धा हैं वही आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए संवेदनाओं की इस बवंडर को, इस सैलाब को यहीं पर कुछ देर के लिए थामना होगा। यहाँ पर देखिए आप अनुग्रह करते हुए देख सकते हैं जो सेना के अफसर भी हैं, जो वर्दियों में इस समय मौजूद हैं उस अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन वो सब भी गुजारिश कर रहे हैं अब लोगों से कि वो अब अपनी जगह पर रुकें और यहीं पर थमें ताकि अंदर बाकी का काफिला जा सके। आप तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों को, सैनिकों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ में उनमें उलझे हुए जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, जो देशवासी हैं, जो जनरल बिपिन रावत को अलविदा कहने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। आंसू नहीं है, जयकारे हैं केवल, शक्ति है केवल। शोक तो है, संवेदना तो है, लेकिन देशभक्ति की वो शक्ति अभी इस कारवां को आगे बढ़ने देगी, और देशवासी जो हैं वो पीछे रह जाएंगे, वो रुकेंगे, लेकिन अपनी अपनी तरीके से हर एक व्यक्ति हिस्सा बन चुका है इस अंतिम संस्कार का। यहाँ पर एक ह्यूमन चेन बनाकर, एक मानव श्रृंखला बनाकर जो हमारे सेनानी हैं उन्होंने अब घेर लिया है अंतिम यात्रा के इस पड़ाव पर। देशवासियों को पीछे रुकना होगा कुछ पलों के लिए, पुष्प की वर्षा अभी भी जारी है, लेकिन इसके आगे अब जो सैन्य सम्मान है उसके साथ आगे की प्रक्रिया। ये देखे ना, ये जो जन सैलाब है, ये जन सैलाब, इसको रोकना और ससम्मान रोकना सेना के लिए चुनौती थी, लेकिन कितने प्यार से उन्होंने ऐसा किया, इस जन सैलाब को उन्होंने रोका, और अब एक सैन्य परंपरा का पालन करते हुए सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के सिपाही
अब स्लो मार्च करते हुए, स्लो मार्च करते हुए गन कैरेज को अंतिम पड़ाव पर लेकर जा रहे हैं। एक अंतिम पग लिया था जनरल बिपिन रावत ने, कैडेट बिपिन रावत के रूप में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, और उस समय के जो यंग ऑफिसर्स उनके साथ थे वो बताते थे कि इतने शांत सौम्य शालीन स्वभाव के थे जनरल बिपिन रावत कि कई वर्षों तक उन्होंने किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि वो एक इतने बड़े अफसर के बेटे हैं। बहुत ही शांत सौम्य उनका जीवन, उनके छोटे भाई भी सेना में थे, और जैसे जैसे वो जीवन में आगे बढ़ते गए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में किबुतु में वो तैनात थे, वहां पर उन्होंने अपनी पलटन को कमांड किया, 5th बटालियन द 11 गोरखा राइफल्स में 1978 में उन्हें कमीशन मिला। 1987 में जो उनकी पलटन थी उन्होंने चाइनीज पीएलए के साथ लोहा लिया था 1987 में। 2008 में उन्होंने एक ब्रिगेड कमांड की थी कोंगो में, एक ब्रिगेड वो कमांड, एक सेक्टर कमांड कर चुके थे जम्मू और कश्मीर में। और 2015 की अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसा हम इस जन सैलाब को देख रहे हैं उनके जीवन को देखे कितना अनुभव था, वास्तविक नियंत्रण रेखा का अनुभव, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ने का अनुभव, नियंत्रण रेखा पर तैनात रहने का अनुभव, यूएन फोर्सेस को कमांड करने का अनुभव, सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर हुई उसको, उसके निरीक्षण का अनुभव, सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में जो उड़ी के बाद हुई उसका निरीक्षण, उसमें भूमिका, 2016 में ही सेना अध्यक्ष बने, और जनरल कुलकर्णी 4-स्टार जनरल सबसे लंबे समय तक अगर हमारे देश का कोई रहा तो जनरल बिपिन रावत 2016 से लेकर 2021 दिसंबर तक और आगे भी रहते, बस इस दुखद हादसे में उनका प्राणांत हो गया। जनरल कुलकर्णी, जी और ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन भी हमारे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, ये जो गन कैरेज हम इस समय देख रहे हैं ये सर्वोच्च सैन्य सम्मान किसी भी सेनानी को, सेनापति को मिल सकता है। 99 सिपाही इस समय हमारे सामने सेना, नौसेना और वायुसेना के अपने शस्त्रों को सम्मान में रखे, एक सेनानी के लिए ये क्या भाव उनके मन में उभरता है इन तस्वीरों के को देखते हुए? एक सेनानी जब अपने जनरल को आखिरी विदाई देता है तो उसके मन में कैसे, मैं आपको समझाऊं, एक बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि उसे उनकी आखिरी यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर मिला है, और बहुत अफसोस की बात है कि उसे अपनी जनरल की आखिरी यात्रा में साथ जाकर के उनका पार्थिव शरीर का, उनके पार्थिव शरीर को आखिरी विदाई देने का मौका मिला है। तो ये एक मिला जुला भाव होता है, ये मिलिट्री का डिसिप्लिन है जिसके कारण वो ये दोनों में से कोई भाव नहीं दर्शाते। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो सेनानी आगे 99 आगे और 99 पीछे हैं उनके चेहरे पे आपको कोई भाव नहीं दिखाई देगा। थोड़ा ध्यान से देखें आप भी इस बात को समझ पाएंगे, ना वो अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं ना गम जाहिर कर सकते हैं, वो एक काम कर रहे हैं। बड़े सम्मान की बात है कि वो इस अंतिम यात्रा में अपने जनरल को साथ लेकर के जा रहे हैं। और ट्राई सर्विसेज कंटिंजेंट इस समय है जो अब ब्रार स्क्वायर मिलिट्री क्रेमेटोरियम में दाखिल हो रहा है अपने अंतिम पड़ाव पर। अब ये यात्रा आ गई है, हमें थोड़ी देर पहले यह बताया गया था कि
चार और साढ़े चार बजे के बीच सम्मान उन्हें देने के लिए, अपना आखिरी सम्मान देने के लिए सेना के वीर और उनके परिवार, अफसर, जेसीओ साहिबान और जवान इकट्ठा होंगे, अपना अंतिम सम्मान देंगे जनरल बिपिन रावत को, उनकी पत्नी को, और उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएगा उनका पार्थिव शरीर। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। जो जन सैलाब वहाँ उमड़ा था, जो उनके साथ चला था, और जो सेना का उनका विस्तृत परिवार अब यहाँ पर मौजूद है, आप इन तस्वीरों में बहुत साफ देख सकते हैं कि केवल सेना के लोग नहीं, केवल 511 गुरखा राइफल्स के जवान या अफसर नहीं, हालांकि सीओ उसके लीड कर रहे थे इस गन कैरेज को, लेकिन उसके अलावा सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों के अफसर, जेसीओ और जवान यहां मौजूद हैं। जिस इंटीग्रेशन का प्रयास लगातार जनरल बिपिन रावत, ब्रिगेडियर लीडर, वो सारी टीम जो प्रयास कर रही थी, वो इसीलिए एनडीए, आईएमए, अलग अलग ट्रेनिंग एकेडमीज में जा रहे थे, या जैसे अभी डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज गए थे, उनका एक ही लक्ष्य था कि शुरू से ही इंटीग्रेशन की वो बात की जाए। शुरू में ही जब इंटीग्रेशन समझ जाएंगे, जब सेकंड नेचर बन जाएगा, तब आगे चलकर इसमें कोई समस्या जनरल कुलकर्णी नहीं होगी। जनता को, जवानों को, देश को, लक्ष्य एक, वन नेशन वन आर्म फोर्सेस। इसमें कोई शक नहीं गौरव कि जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन, थिएटराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडिजनाइजेशन के लिए वो लगातार लगे हुए थे, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सबके लिए, और मुझे लगता है बहुत कम है, और धीरे धीरे करके लोगों के जो शंकाएं हैं उनको भी दूर करना है, और यकीन करना है जो सरकार ने उनको मैंडेट दिया है वो उनके ही कार्यकाल में होना चाहिए, और वो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है जिस प्रकार से उनको मालूम था शुरू से, और यही नहीं कि उनकी जो नॉर्मल सर्विस, CIOP पे रही हो या फिर अलोंग LOC रही, LAC रही, उनको जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करते थे सब सर्विसेज के साथ, इस बात को दर्शाता है कि उनको मालूम था कि 21st सेंचुरी वॉरफेयर इज कलेक्टिव वॉरफेयर, जॉइंटनेस बहुत बहुत जरूरी है, जॉइंटनेस होएगा तो बाकी सब कुछ होगा, क्योंकि जब तक जो रिसोर्सेज है घूम रही थी, उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे, और सरकार ने भी उन्हें मैंडेट दिया था, जिसके लिए उन्होंने जून 2020 तक कहा है कि थिएटराइजेशन के लिए सबमिट करें, और यकीन करें कि जो जो आप लोग की शंकाएं हैं उनको दूर किया जाएगा और उनको एड्रेस किया जाएगा। ये बहुत जैसा हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं जनरल कुलकर्णी, सेना के अफसर, जेसीओ और जवान साथ साथ चल रहे हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के अफसर उनके पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर लेकर अब अंत्येष्टि के लिए उन्हें आगे लेकर जा रहे हैं। यही जॉइंटमैनशिप वो हर पड़ाव पर चाहते थे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक यूनिट, बहुत कठिन, हालांकि ट्रेनिंग सबके साथ होती है, एनडीए में तीनों साथ रहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके साथ एनडीसी में साथ होते हैं, अलग अलग कोर्सेज में साथ होते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य और बड़ा था। और ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, क्योंकि आप पायलट हैं, आप बता पाएंगे ये कठिन क्यों है। पायलट नौसेना में भी होते हैं, पायलट वायुसेना में भी होते हैं, हेलीकॉप्टर पायलट तो सेना में भी होते हैं, लेकिन जनरल बिपिन रावत हमें ये कहते थे कि मैं ये चाहता हूं जैसे एडमिरल अरुण प्रकाश ने लड़ाई में भी वायुसेना के साथ ऑपरेशंस किया और उड़ान भरी, नॉर्मलाइज हो जाए कि नेवी के पायलट्स भी जम्मू कश्मीर में हेलीकॉप्टर उड़ाए या लड़ाकू विमान उड़ाए। ये जॉइंटमैनशिप को चाहते थे
क्या ये बहुत बड़ा सपना है या ये साकार हो सकता है हमारे जीवन काल में? देखिए, इसके बारे में मैं जो जनरल रावत ने सपने की बात कही वो एक तथ्य है, एक फैक्ट है। ये होना चाहिए, पहले दिन से होना चाहिए। इसमें एक फर्क छोटा सा जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि हर सर्विस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक वेपन सिस्टम लेता है जी। अब जब इंडियन नेवी ने MiG-29 लिए तब इंडियन नेवी के पायलट्स की ट्रेनिंग एयरफोर्स में हुई, वो एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स में जा कर के अप्लाई किए, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहला MiG-29 की जो डेक पर से फ्लाई किया था वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट ने किया था जी। ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, लेकिन कम स्तर पर होता है। इसका स्तर हमेशा से ज्यादा होना चाहिए था, बढ़ा होना चाहिए था, और थिएटर कमांड ही इसका एक सही विकल्प है। थिएटर कमांड से क्या होता है, जैसे एक अगर हम देखें तो अगर हम इंग्लैंड की बात करें, वहां एक हेलीकॉप्टर कमांड बनाई गई, तो जितने भी सर्विस के जो भी हेलीकॉप्टर हैं उस हेलीकॉप्टर कमांड के अंडर आते हैं जी, और उसका इस्तेमाल उस हिसाब से किया जाता है। उसी तरह से जैसे जनरल रावत ने हर चीज के लिए बोला, एक थिएटर कमांड बनाओ, एक एयर डिफेंस कमांड बनाओ, एक एरोस्पेस कमांड बनाओ, इससे सबको फायदा है और तीनों सर्विस मिलकर के काम कर सकते हैं। जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आप भी ये बार बार बता रहे हैं, एनडीए में ब्रिगेडियर लिद्दर और हम कोर्समेट थे, हमने साथ में ट्रेनिंग ली, हमारा इथोस, ग्राउंड वैल्यूज, एवरीथिंग, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है, हमारे और उनमें कोई फर्क नहीं था, एक्सेप्ट कि प्रोफेशनल कैपेबिलिटी में वो इन्फेंट्री में चले गए और हम फ्लाइंग में चले आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के सोच में कोई फर्क है, सिर्फ ट्रेनिंग और वेपन हैंडलिंग में डिफरेंस है बस, और कोई खास फर्क नहीं रहता है। और इसको इंटीग्रेट करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि लगता रहा था शुरू से। ये जनरल रावत ने इसको साक्षात करके दिखा दिया। कैप्टन रंजन, रहिए हमारे साथ ब्रार स्क्वायर में इस समय अंतिम विदाई की वो तैयारी हो रही है। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के दो सिपाही अब पुष्प चक्र की तैयारी कर रहे हैं और पुष्प चक्र अर्पित किया जाएगा जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और श्रीमती मधुलिका रावत, प्रेसिडेंट डिफेंस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन। सेना, नौसेना और वायुसेना, और ये देखिए जनरल बिपिन रावत, PVSM, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, 8D कैंप। और वहां पर ये थे उनके रिबन्स, उनके मेडल। हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। अब प्रतीक्षा हो रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, और अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी ब्रार स्क्वायर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहां आएंगे, इस समय वहां क्या चल रहा है? हमारे दर्शकों को बताइए कि सेना ने अंतिम विदाई के लिए क्या क्या तैयारियां की है। जी देखिए, अभी आपने देखा होगा किस तरह से कैवलकेड लगातार दिल्ली की सड़कों से होते हुए, कामराज मार्ग से होते हुए दिल्ली कंटोनमेंट आया, और उसके बाद इसी रास्ते से अंदर बरार स्क्वायर क्रेमेटोरियम में उनकी मॉर्टल रिमेन्स को ले गया गया है। CDS फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत और उनके साथ मधुलिका रावत, उनके जो मॉर्टल रिमेन्स थे उसको लेके अभी अंदर ले जाया गया है, और लोग लगातार आपको इस तरह से अंदर जाते हुए अंतिम विदाई में, अंतिम यात्रा में दिख जाते हैं। बरार स्क्वायर में लोग लगातार तिरंगे के साथ, जनरल रावत की तस्वीरों के साथ अंदर जा रहे हैं, और सबकी कोशिश इस वक्त यही है कि वो अपनी तरफ से लास्ट होमेज पे कर पाएं, ट्रिब्यूट पे कर पाएं जनरल
बिपिन रावत को आप देख सकते हैं, इस तरह से लोग तस्वीरों के साथ भी यहाँ पे खड़े हैं। किस तरह से आप लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं जनरल बिपिन रावत? जनरल बिपिन रावत हमारे ही नहीं, अभी तो इस संसार के एक विशेष योद्धाओं में उनकी गिनती होती थी। उन्होंने भारत का मान सम्मान, भारत को एक नई ऊंचाइयों में पहुंचाया था। ये जो दुखद घटना हुई है, इससे आम जनमानस बहुत दुखी है। जिन लोगों ने, गरीबों ने देश को बढ़ाने में अपनी वो करी, उनमें वो बिपिन रावत उनके रोल मॉडल थे। वो बिपिन रावत जी से बहुत कुछ सीखते थे। देश बहुत पीछे उनके जाने से हो रखा है, और बिपिन रावत जी जो हैं वो हम सबके हीरो थे और आगे भी हीरो रहेंगे। हम उनसे मार्गदर्शन लेते हैं और आगे भी देश उनके पद चिन्हों पर जो उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया है सेना को, जनमानस को, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। लोग बहुत बड़ी संख्या में, मैं आपको बता दूं, इस पूरे रास्ते में लगातार लोग पैदल चलते हुए उनकी जो लास्ट जर्नी थी उसके साथ ट्रिब्यूट दे रहे थे। कुछ लोग दौड़ रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगातार लगाए जा रहे थे। और हर व्यक्ति दिल्ली में जिस रूट से उनके मॉर्टल रिमेन्स को यहाँ बरार स्क्वायर क्रेमेटोरियम में लाया गया, हर व्यक्ति हर संभव तरीके से कोशिश कर रहा था उनको अपनी तरफ से ट्रिब्यूट देने का। कोई तिरंगा लेके खड़ा था, तो कोई पोस्टर लेके, तो या कोई सीधे जनरल रावत अमर रहे के नारे लगा रहे थे लोग। आप यहाँ क्रेमेटोरियम के ठीक बाहर खड़े हैं, किस तरह से ट्रिब्यूट दिए? और ये तस्वीर देखिए, भूटान की तरफ से पुष्प चक्र अर्पित किया गया जनरल बिपिन रावत को। पड़ोसी देशों के साथ सैन्य संबंध और मजबूत करने का प्रयास उनका निरंतर जारी था, खास तौर पर नेपाल और भूटान। जब वो सेना अध्यक्ष थे तो वो नेपाल की सेना के भी सेना अध्यक्ष थे। ये एक पुरानी सैन्य परंपरा है जो निरंतर चली आ रही है। भारत की सेना के सेनाध्यक्ष नेपाल की सेना के सेनाध्यक्ष भी होते हैं, और नेपाल की सेना के सेनाध्यक्ष भारत की सेना के ऑनररी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं। ये बहुत पुरानी सैन्य परंपरा है, लेकिन गोरखा राइफल्स के अधिकारियों के साथ एक जो अलग परिवर्तन होता है वो ये होता है कि वो भाषा भी बोलते हैं। क्योंकि वो गुरखाली भाषा बहुत फर्राटे से बोलते हैं, और क्योंकि भारतीय सेना में नेपाल के भी सैन्य अफसर और जवान होते हैं, जनरल बिपिन रावत की का परिवार, उनकी बेटियां तारिणी और कृतिका, भारत माता की जयकार, भारत माता का जयकारा अभी भी अलग अलग जगह से लग रहा है। हालांकि यहां एक सैन्य परंपरा के अनुसार डिग्निटरीज, वेटरन्स, पूर्व थल सेना अध्यक्ष अब अपना सम्मान देते हुए, ये बहुत बड़ी बात है कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद हैं। जनरल बिपिन रावत को, और इनमें कई ऐसे हैं जिन्होंने जनरल बिपिन रावत को एक यंग ऑफिसर के रूप में देखा, उनको अलग अलग पड़ाव पर एक कुशल सैन्य कमांडर के रूप में। करगिल की लड़ाई के दौरान आप डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे। सम्मान देते हुए जनरल बिपिन रावत को और उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत को।
अध्यक्ष और सड़क परिवहन राज्य मंत्री, कतार में खड़े अपना आखिरी सम्मान देने के लिए जनरल वीके सिंह, और इस समय जनरल दीपक कपूर पूर्व थल सेना अध्यक्ष। अपनी पत्नी के साथ श्रीमती मधुलिका रावत को सम्मान देने के लिए करबद्ध। एक वीर योद्धा को भारत ने खो दिया है, एक वीर जो दिशा दे रहा था देश के आधुनिकीकरण को, और अब प्रतीक्षा जनरल वीके सिंह पूर्व थल सेना अध्यक्ष। जनरल वीके सिंह सड़क परिवहन राज्य मंत्री भारत सरकार। इतने ऊंचे हैं उन लोगों के जो बाहर तो रुक गए लेकिन अभी भी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे वहां से लग रहे हैं, और अपने दुख को समेटे उनकी सासू मां और उनका परिवार। जनरल विक्रम सिंह पूर्व थल सेना अध्यक्ष। जनरल विक्रम सिंह ने बहुत सी बातें हम लोगों के साथ साझा की थी, किस तरह से जनरल बिपिन रावत एक कर्मठ योद्धा थे जो पीछे हटना नहीं जानते थे। उनकी दोनों बिटिया इस समय विश्वास ही नहीं हो रहा होगा, बहुत क्लोज थी अपने पिताजी के। और सेनाओं के अध्यक्ष के बाद पूर्व नौसेना अध्यक्ष, पूर्व वायुसेना अध्यक्ष भी अपना सम्मान देने के लिए एक के बाद एक करबद्ध तरीके से, और इसीलिए लगभग 4:30-5 बजे तक सम्मान देने की ये प्रक्रिया, ये सिलसिला। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर पूर्व राज्य मंत्री और एनडीए में श्वेता दोनों साथ थे, ब्रिगेडियर लिडर और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साथ पले बढ़े। जितना कठिन कार्यकाल रहा है जनरल बिपिन रावत का, और जिस तरह के संघर्ष का सामना करते हुए विजयी वहां से वो निकल कर आए हैं, उसमें बहुत लाजमी हो जाता है कि हर एक व्यक्ति जो उस समय में उनके साथ खड़ा भी रहा, जिनके संपर्क में भी वो रहे, आज अपने एक साथी को, अपने एक सहयोगी को, आज एक ऐसे सेनापति को ये सब सम्मान देने के लिए आए हैं जिनके हर एक कदम के साथ किसी भी रूप में ये सब खड़े रहे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तमाम सवालों का सामना करना पड़ा हो, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जिस तरीके से काबू में किया हो जनरल बिपिन रावत ने, इन सारे समय कुछ कठिन निर्णय उन्होंने लिए थे और उन सभी कठिन फैसलों के साथ उनके ये तमाम कुछ वरिष्ठ, कुछ सहयोगी सब साथ खड़े रहे थे। जो रिटायर कर चुके हैं वो सब भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो इस समय सर्विंग है वो सब भी, यानी कि उनके साथ के भी, उनसे पहले के भी, वो सारे लोग यहाँ पर आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो सबके मन में सम्मान का एक भाव भी साथ में रहता है। वो तमाम फैसले भी वो याद करते हैं, वो कड़ा संघर्ष भी ये सब याद करते हैं। एक सीडीएस के तौर पर अगर वो आगे बढ़ रहे थे एक सोच को, एक विचार को लेकर, तो उस विचार में सब सम्मिलित थे, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है उस विचार को गठित करने वाला। वो विचार जन भले एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ले सकता है, लेकिन उसे आगे बढ़ाना, उसे अमल में लाना, उसका क्रियान्वयन, ये सब की एक मिलीजुली प्रक्रिया होती है। और जो अच्छा सशक्त नेतृत्व होता है उसकी सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि वो सबको साथ लेकर सबके सुझावों पर अमल करते हुए आगे बढ़ता है। और वैसे भी अगर हम एक सीडीएस की जिम्मेदारियों की बात करते हैं और एक
संतुलित सामंजस्य की बात करते हैं तो उसमें तीनों सेनाओं का अपना योगदान, अपनी भूमिका, अपनी प्रक्रिया हो जाती है। आज हर एक अफसर के चेहरे पर अगर आप वो सम्मान देख पा रहे हैं तो इस कारण कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सालों से चली आ रही एक चर्चा को, एक विमर्श को अमली जामा पहनाया था और उसे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय सेनाओं में नेतृत्व हमेशा सक्षम रहता है और कोई इस बात में संशय नहीं है कि अगला कौन सा व्यक्ति होगा जो इसे आगे लेकर बढ़ेगा, संशय बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो स्थान रिक्त हुआ है, जो हुदा रिक्त हुआ है, जो व्यक्ति गया है हम सबके बीच से, वो व्यक्तित्व ऐसा था जिस व्यक्तित्व को का विकल्प नहीं हो सकता। पद पर आएंगे लोग, हो सकता है और बेहतर भी काम करें।